नहीं रहना मुझे, नहीं रहना। बोलिएगा। कौन? अस्सलाम वालेकुम, वाले साम जी, क्या हाल है? किताब आपके हस्बैंड घर पे हैं? जी। बुलाइएगा जरा उनको। क्या ए गुट्टू के पप्पा किधर हो? आइएगा जरा। पता हुआ? जी नहीं कि बाहर कोई आ रहा है। अस्सलाम बोले जी, वालेकुम। एनआईसी है आपके पास? बिल्कुल। एनआईसी दीजिएगा। हाँ, अरे बेगम आपको तो पता है अभी वो रमजान शुरू हो रहा है ना, तुम तो कह रहे थे ना कि राशन वाशन की परेशानी, यही लोग हैं राशन वाशन का कुछ ना कुछ करके देंगे हमारे लिए। और दूसरी बात ये है कि अभी इलेक्शन भी आ रहा है ना, उसमें पता है कि पहले तो ये लूटते हैं, बाद में जब इनका टाइम आता है फिर ये 10-15 हजार 12 हजार वो कोई बेवा फंड कोई दूसरा फंड इस तरह से फिर चलाते हैं ताकि इनको वोट मिल सके। अच्छा जी, ये खालिद मलिक आप हैं? जी, खालिद मलिक। हाँ सही 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 सही, आप खालिद मलिक हैं तो ये आपकी हैं। खालिद मलिक, आपकी 3 शादियां हैं। 3 शादियां? नहीं, आप दोबारा देखें। खालिद अरे ये कोई झूठ बोल रहा है, ये आप देखें, ये खालिद मलिक लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ, जौजा सुगरा लिखा हुआ है, लिखा है। जौजा वसीमा, जौजा मुनीरा, ये तीनों, ये देखें ना इस खाने में तीनों आ रहे हैं। ये तो कंप्यूटर थोड़ी झूठ बोलेगा भाई। नहीं, बेगम नहीं, भाईजान आप दोबारा चेक करें, देखें वो किससे गलती हो गई होगी, लेकिन मेरे पास तो एक ही बेगम है, दो बच्चे हैं, मेरा भाई क्या हो गया, नहीं भाई, झगड़ा ये करवाओगे हमारा? आप देखें ना जी, इनको क्यों नहीं, दिखा रहे हो, मुझे दिखाओ आप ना। ये देखें, ये पूरा डेटा सामने आ रहा है ना, देखें। तो तुम हैदराबाद इसलिए जाते हो? नहीं, बेगम सात आपको तो पता है मैं, सात बच्चे हैं, सात बच्चे, और पहले बेटे का नाम इरफान है, और जो है वो, ये देखें ना, ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। बेगम मेरी बात सुन, तीन रोए नहीं, रोए नहीं। आपके तीन तीन बेटे हैं और 4 बेटियां हैं, टोटल 7 बच्चे हैं आपके। अब ये बतलाएं, देखें इन्होंने 3 मेरी बेगम बना दी है, 7 बच्चे बताएं, तुमने 7 बच्चे तुम्हारे पास हैं, मेरे कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। ये भी इल्जाम तुम पे लगा रहे हैं, देखो 7 बच्चों का, ये झूठ बोल रहे हैं। तो ये फिर क्यों आ रहा है खालिद मलिक? मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? ये देखें आपका, ये एनआईसी, ये सारी चीजें हैं, ये खालिद मुझे पहले ही शक था, तुम क्या करो? अरे बेगम सबर करे, मेरी बात सुने, देखो ठंडे दिल से देखो। अरे क्या सबर करो? ये देखो ये झूठ बोल रहा है। मेरी बात तो सुनो, देखो ये मेरी बात सुने, इन्होंने 7 बच्चे तुम्हारे बना दिए, कितने बच्चे हैं तुम्हारे पास? 3 बीवियां बता रहे हैं वो। सात तीन है बच्चे ना भी तो 7 डाले हैं उन्होंने, भाई। आपके पास 7 बच्चे हैं? आप वसीमा हैं? वसीमा कौन है? वसीमा मैं हूँ। अच्छा सुगरा कौन है? सुगरा हमें क्या पता किसका, कौन सुगरा है भाई? मुनीरा कौन है? इसके अंदर मुनीरा भी लिखा हुआ, देखे यार आपके खाने में ये लिखा हुआ आ रहा है, कंप्यूटर झूठ थोड़ी, हमारे पास सारी चीजें मुझे देखे। पहले ही शक था, तुम बेईमान चीटर, तुम यही करते हो, जब भी मुझे पता है तुम 2-2 दिन घर से बाहर रहते हो। अरे वो तो काम के सिलसिले में, मजदूरी के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है। अरे रोना बंद कर, अबे यार मनुष्य आदमी तू पागल वागल तो नहीं है कहीं? अबे भाई हमारे घर में क्यों झगड़ा, 7 बच्चे 3 बीवियां, जबरदस्ती हमारे गले डाल रहा है यार तू। भाईजान ये पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मर्दमशुमारी हो रही है, सबको पता है, सबको, हम सारी चीजें सारी डेटा हम चेक करेंगे और हम बिल्कुल सही जो है ना मर्दमशुमारी करेंगे, इस तरह थोड़ी है। साहब बहुत अच्छा किया आप आ गए हमारे घर में, कम से कम इस जो ढोंगी है ना, इसका पोल पटी इसकी खुल गई है। ए जाहिल औरत, एक मिनट खामोश हो जाओ, उसकी पूरी बात समझ, ये मर्दमशुमारी वाले हैं, मर्दमशुमारी राशन वाले ये दूसरे लोग नहीं है। मर्दमशुमारी में होता क्या है, किसी की बीवी किसी की, किसी का शोर किसी का, जबरदस्ती के वोट होते हैं। अब मेरी 3 बीवियां 7 बच्चे बना दिए इन लोगों ने, ये सिर्फ अपना जो है ना टोटल पूरा करते हैं, समझे ना, सिलेक्टेड जो काम होता है ना वो है। तुम खाओ कसम, तुम खाओ कसम। अरे मुझे क्या चाचा कसम की, खाए? मुझे चाचा की कसम। नहीं भाई मैं क्या, आप ये देखे ना, ये पूरा डेटा सामने आ तो रहा है आपके, आप पढ़ी भी नहीं है क्या? मैं पढ़ी हुई हूँ। हाँ तो देख लेना ये सारे, ये आपके मियाँ का ही तो है, ये किसका, ये खालिद मलिक किसका है, ये एनआईसी नंबर 42-101-15-89-904-5, ये नंबर किसका है? तो बस फिर, अरे भाई इनके मिस्टेक हुई है बेगम, आप ये बताओ, पहले तो सब बातें छोड़ो, तुम्हारे 7 बच्चे हैं नहीं है ना? अच्छा चुप हो जा, 7 बच्चे हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे 7 बच्चे इसमें हैं, 3 बीवियां मेरी, 7 बच्चे तुम्हारे। अरे भाई तुम मुझे, तुम मुझसे झूठ बोल के जाते हो, देखो 2 दिन के वादों से, 3 दिन के वादे से, जब भी जब तो मैं भाई, आती हूँ तुम बोलते मुझे भूख नहीं लगी हुई, कहाँ से खा के आते हो मुझे ये अरे बताओ। यार रुक तो जाओ मेरी, रुक जाओ। ओ भाई हम मर्दमशुमारी में है ही नहीं, हम मर्द ही नहीं है, जाओ तुम यहाँ से घर को जाओ।
ये घर घर में झगड़ा करवा रहे हो। तीन बीवियां सात बच्चे बना दिए हमारे यार। मुझे पहले से ही पता था तुम चीटर इंसान हो, तुम मुझे धोखा दे रहे थे। तुमने दो बीवियां और करके रखी हुई है। मैं तुम्हारे साथ एक पल एक लम्हा नहीं रह सकती। मैं अंदर जा रही हूँ सामान पैक करने के लिए। मैं अपने मेके जाऊंगी, तुम्हारे साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकती। ओ मनुष आदमी, ये सात बच्चे तीन बीवियां, अब ये दो बीवियां तीन बीवियां तू मुझे लाके देगा? अबे नहीं चाहिए तेरी मर्दम शुमारी। हम बगैर मर्द के मर्दम शुमारी के सही है। गर्क हो जाए यहाँ से। अबे मेरी मेरे घर में तूने फसाद करवा दिया, गर्क हो जा, मैं मारूंगा। चल निकल, ठीक है निकल यहाँ से। आया मर्दम शुमारी वाला। अंदर नहीं आना, खबरदार अंदर आए तो मैं सामान लेके अपनी माँ के घर जा रही हूँ। खबरदार मुझे हाथ लगाया तो मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। बात सुनो, रुको मेरी बात सुनो। अब रुकाई क्या है, बचाई क्या है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मेरी दोस्त कहती थी तुम चीटर हो, धोखेबाज हो, फ्रॉडी हो। नहीं रहना मुझे, नहीं रहना।